नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। किसी ने आज तक किया नहीं, मेरी फैमिली ने कुछ डिफरेंट करने को सोचा है। मेरे भाई ने, दोनों मेरे जीजू वगैरह सब ने सोचा कि इसका कुछ डिफरेंट करे। तब घोड़ी मेरी मम्मी पापा की थी कि ना इसको घोड़े पे बिठाए, तो मेरे को खुद पर बैठने से लगा कि मैं खुद लड़का हूँ। फील लड़के और लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, ऐसे ही लग रहा था घोड़ी पे बैठने के बाद में। फिर ऐसा भी हो रहा कि हाँ, लड़का और लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, अपन सोचते हैं कि लड़का लड़के में फ़र्क रहता है। जो नया एक ट्रेंड है, ये तो पिछले 2-3 सालों में देखने को आया है और अब ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना हो गया है शेखावटी क्षेत्र में और भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्रों में। जो दुल्हनें होती हैं, जो बीननियाँ होती हैं, उनके परिवार वाले बड़ी हर्षोल्लास के साथ उनकी बिंदोली निकालते हैं। बेटी को घोड़ी पे बैठा के बनोरी निकालना, बेटियों का दसोटन करना, बिना दहेज के शादी करना, एक या दो बेटी पे परिवार कल्याण साधन अपनाना, ऐसे अनेक इनोवेशंस किए गए। बेटियों के नाम से पार्क डेवलप करना, 100% बेटियों को स्कूलों में पढ़ाना और हायर एजुकेशन तक लेके जाना, इस तरह के काम लगातार शेखावाटी रीजन में किए गए और वो एक मिसाल बने। उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान में शेखावाटी का जो सेक्स रेशियो है बढ़ा, तो राजस्थान का भी सेक्स रेशियो है, लेकिन राजस्थान का बढ़ा वैसे ही शेखावाटी का आज यदि हम बात करें तो 979 की स्थिति में इस साल का है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।